जो है हम अलजी स्टडी कर रहे हैं, अलजी के अंदर क्लास ज़ेंथोफाइसी को हम स्टडी कर रहे हैं, और ज़ेंथोफाइसी में हम वकेरिया को सॉरी स्टडी कर रहे हैं। वकेरिया को वकेरिया क्यों कहते हैं? एक स्विस फाइकोलॉजिस्ट के नाम पर जिसने इसे डिस्कवर किया, जिसका नाम वाकर था, तो उसके नेम पे इसे वकेरिया कहते हैं। अब इसकी ऑकरेंस हम देखें तो ये टेम्परेट रीजन्स में पाया जाता है, ठीक है, और इसकी 45 स्पीशी हैं। और दूसरा, ये फ्रेश वाटर में होगा, ताज़ा पानी जिसमें साल्ट कम होते हैं, वाटर ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी और क्लफ्ट फील्ड्स, मतलब जिन खेतों में हल चलाया गया वो पानी खड़ा हो वहाँ पर, ठीक है। वो ग्रीन मैट्स बना लेंगे किस चीज़ के? वकेरिया के। और इसकी कुछ स्पीशी मेराइन भी हैं, जैसा कि वकेरिया पाइलो वकेरिया पाइलो बोलिडस, ठीक है। इसकी ये स्पीशी जो है ये मेराइन है। और इसके अलावा जो है, अच्छा, इस सारे में हमने क्या देखा कि स्विस फाइकोलॉजिस्ट वाकर के नेम पर जो है इसे हम वकेरिया कहते हैं। ये टेम्परेट रीजन्स में पाया जाएगा, इसकी 45 स्पीशी है, फ्रेश वाटर, डैम सॉइल और प्लट फील्ड्स में होगा, और मैदानी इलाकों में पाया जाएगा, यानी कि टेम्परेट रीजन्स। और दो आखिरी बात, इसकी कुछ स्पीशी मेराइन भी है, जैसा कि वकेरिया पाइलोबोल्टस। उसके बाद अगर हम इसकी प्लांट बॉडी देखें तो इसका जो थैलस होता है वो स्पेरिंगली ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। स्पेरिंगली ब्रांच्ड का क्या मतलब है? जो रेगुलरली अरेंज ना हो, मतलब इरेगुलरली अरेंज हो, ठीक है। और ये जो है नॉन सेप्टेट होगा, मतलब इसमें सेप्टा दरमियान वाली वाल्स नहीं होंगी, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, इसके अंदर न्यूक्लियाई पूरी बॉडी में फैले हुए होंगे। और सेप्टा इसमें कब पैदा होंगे? जब इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे। जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे तो सेप्टा मतलब वो वाल पैदा होगी जो कि उस स्ट्रक्चर को अलग कर देगी, वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा और गैमेट्स मिलकर फिर जायगोट बनाएंगे। तो इस सारे में हमने इसका इंट्रो देखा, इसकी ऑकरेंस देखी, ठीक है। इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जीनस इसका वकेरिया है, फैमिली वकेरियेसी है, ऑर्डर जो है इसका हेटरोसाइफोनियस है, क्लास ज़ेंथोफाइसी, डिवीजन ज़ेंथोफाइटा, किंगडम प्लांटाइ। फिर प्लांट बॉडी का मैंने बताया कि स्पेरिंगली ब्रांच्ड होगी और उसमें सेप्टा नहीं होंगे, वो स्पेरिंग और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। और सेप्टा कब क्रिएट होंगे? जब रिप्रोडक्टिव कंडीशंस होंगी। उसके बाद अगर हम देखें इसमें अटैचमेंट के लिए, इसमें जो है हेप्ट्रोन होते हैं। हेप्ट्रोन क्या है? ये कलरलेस ब्रांच्ड शॉर्ट राइजाइडल सेल है जो कि अटैचमेंट के लिए जो है यूज़ होंगी। और फिर इसकी सेल वॉल थिन होगी, पतली होगी, सेलुलोज और पेक्टिन से जो है वो बनी हुई होगी। और फिर वैक्यूल देखें तो इसके सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होगा जिसमें सेल का सैप भरा हुआ होगा। सेल सैप का क्या मतलब है? मतलब वाटर और सॉल्ट वगैरह उसमें भरे हुए होंगे, जिसकी वजह से ये टर्जिडिटी का फेनोमेना भी शो करता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें छोटे डिस्काइट क्लोरोप्लास्ट होंगे जिनके अंदर पायरेनाइट्स मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें रिजर्व फूड देखें तो ऑयल होगा, स्टार्च। इसमें रिजर्व फूड तब आएगा जब जो है इसमें फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना होगा, मतलब जब ये लाइट को फेस करेगा, ठीक है। तो इस सारे में हमें क्या देखा? हेप्ट्रोन देखिए, अटैचमेंट के लिए यूज नहीं है, सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिसमें सेल से भरा हुआ है, स्मॉल डिस्कार्ड क्लोरोप्लास्ट है, पायरेनाइट के बगैर रिजर्व फूड ऑयल है। फिर रिप्रोडक्शन हम देखें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल होगी और सेक्सुअल होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होगी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी, और ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये नॉन कॉमन है, मतलब छोटे छोटे पीसेस वकेरिया के बन जाएंगे जो नया वकेरिया जो है बनाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होगी, एप्लैनोस्पोर और जूओस्पोर। अब जो मतलब पानी वाली जगह होगी ना, एक्वाटिक रीजन, वहाँ पे जूओस्पोर बनेंगे। जूओस्पोर और एप्लैनोस्पोर में क्या फ़र्क है? जूओस्पोर में फ्लैजेला होते हैं, वो मूव कर सकता है, एप्लैनोस्पोर में फ्लैजेला नहीं होते, वो मूव नहीं कर सकता। तो ट्रिस्टियल इलाके में, मट्टी वाले इलाके जहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ पे एप्लैनोस्पोर से होगी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक्वाटिक रीजन जहाँ पे वाटर करंट्स अवेलेबल हैं इसके मूवमेंट के लिए, वहाँ पर जूओस्पोर से होगी। और ट्रेस्टियल रीजन में जूओस्पोर से हो सकती है, कब हो सकती है? जब वहाँ पे वाटर का फ्लड आ जाए, जब पानी वहाँ पे होगा तो फिर तब जूओस्पोर इजीली मूव कर सकेंगे और तब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूओस्पोर से होगी। उसके बाद हम इसका देखते हैं कि जूओस्पोर से इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो जूओस्पोर से रिप्रोडक्शन इसमें यूँ होगी कि पहले इसका ना मतलब जो इरेक्ट ब्रांच होगी उसका ऊपर वाला किनारा सेप्टम से कट जाएगा और वो फूल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके न्यूक्लियाई, ठीक है,
वो अरेंज होंगे इसके किनारे वाली साइड पे, और जो सेंट्रल विक्यूल इसका बड़ा सा पड़ा है वो साइज़ में छोटा हो जाएगा। इसके क्लोरोप्लास्ट भी इकट्ठे हो जाएंगे और दो अनिक्वल फ्लैजेला जो है इसके बन जाएंगे, और इसके साथ इसका ये जो सारा प्रोटोप्लास्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब जाहिर है जब अंदर वाली ऑर्गेनेलिस छोटी हो रही है तो प्रोटोप्लास्ट भी इसका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो ग्रुप है जूओस्पोर का, ठीक है, वो ये ना मतलब फ्री, ये आज़ाद नहीं हो सकता, ये यहाँ से लाइब्रेट नहीं हो सकता, ये इसके अंदर जूओस्पोर्स का ग्रुप पड़ा रहेगा। और इस सारे स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कह रहे हैं, मैंने स्टार्ट में जो है यहाँ पर लिखा है जूओस्पोरेंजियम जो है हम कह रहे हैं, क्लब शेप्ड जूओस्पोरेंजियम के अंदर जो है जूओस्पोर पड़े हैं। तो जूओस्पोर कैसे बनेंगे, मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट इकट्ठे होंगे, न्यूक्लियाई किनारों की तरफ जाएंगे, वैक्यूल छोटा होगा साइज में, प्रोटोप्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दो अनिक्वल फ्लैजेला बन जाएंगे, और ये सारा माल पड़ा होगा एक क्लब शेप स्ट्रक्चर के अंदर जिसे जूओस्पोरेंजियम कहेंगे। तो यूँ जूओस्पोर से जो है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। फिर क्या मैंने मेंशन किया है कि वाल जो होगी ना उसके अंदर एक सुराख पैदा होगा, उस सुराख से जूओस्पोर बाहर आ जाएंगे। जूओस्पोर जब बाहर आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे कि अपने गिर्द एक वाल खारिज कर लेंगे, ठीक है, और वाल खारिज करने के बाद वो अपने फ्लैजेला भी लूज़ कर देंगे। जाहिर जब वाल खारिज करेंगे जो तो जो उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होंगे वो लूज हो जाएंगे, तो फ्लैजेला लूज हो जाएंगे, वाल सेक्रेट होगी, और तब ये दो चीज़ें बनाएगा। ऊपर की तरफ जो है ये येलो ग्रीन फिलामेंट बनाएगा वकेरिया का, और नीचे की तरफ जो है ये राइजोइड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एप्लैनोस्पोर से कैसे होती है। तो जूओस्पोर से हमने देख लिया कि क्या होगा, बाद में अपने गिर्द वाल सेक्रेट करेगा, फ्लैजेला लूज कर देगा और दो स्ट्रक्चर बनाएगा, वन स्ट्रक्चर येलो ग्रीन और नीचे वाले राइजोइड। उसके बाद एप्लैनोस्पोर से कैसे होगी, एप्लैनोस्पोर्स ड्राई कंडीशंस में होगी, और इस जो एप्लैनोस्पोर्स होंगे ना ये थिन वाल्ड होंगे, ठीक है। और ये ना अब जूओस्पोर में हमने देखा कि ये इरेक्ट ब्रांचेस के ऊपर वाली साइड पे होगा, लेकिन जो ये एप्लैनोस्पोर है ये लेटरल ब्रांचेस पे मतलब साइड वाली ब्रांचेस के ऊपर बनेंगे, ठीक है। और जो सारा प्रोटोप्लास्ट है एप्लैनोस्पोर का, एप्लैनोस्पोरेंजियम का, वो सारा का सारा ही एप्लैनोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि पेरिटल किनारे पेरेंट की जो वाल है वो रप्चर करेगी और एप्लैनोस्पोर रिलीज होंगे जो कि नया थैलस जो है वो केरिया का बनाएंगे। तो एप्लैनोस्पोर हमने क्या देखा कि ये ड्राई कंडीशंस में बनेंगे, थिन वाल्ड होंगे, और सारा का सारा एप्लैनोस्पोरेंजियम ही एप्लैनोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरेंट वाल रप्चर होगी जिससे ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। फिर अगर हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो वो ओओगैमी से होती है। ओओगैमी का क्या मतलब है, मतलब गैमेट्स का साइज शेप दोनों डिफरेंट होंगे, और ये मोनोइशियस भी हो सकती हैं मतलब दोनों सेक्सेस एक ही वकेरिया में, और डाइशियस भी हो सकते हैं मतलब मेल फीमेल सेक्सेस वकेरिया में अलग अलग हों, ठीक है। अब जो अब इसमें ओओगैमी होगी तो ओगोनियम होगा और एंथ्रीडियम होगा। ओगोनियम एग का स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जो एग बनाएगा, एंथ्रीडियम स्पर्म बनाएगा या एंथेरोजाइट बनाएगा। अब जो ओगोनिया होगा ना वो बड़ा होगा साइज़ में, और वो किसी वो सिसाइल होगा, स्टैक्ड होगा, मतलब अपनी डंडी से किसी जगह जुड़ा हुआ होगा या फिर राइजॉइड से, और ये मेन फिलामेंट के ऊपर पैदा होगा मतलब किनारों पर पैदा नहीं होगा, ठीक है। और इसकी जो डेवलपमेंट है ना वो एंथ्रीडियम के नज़दीक स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब अब ये नीचे सबसे नीचे डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओगोनियम जो है यहाँ पर, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है ये वकेरिया की है, ये इसके राइट साइड है, ये फिलामेंट है, ये जो है इसका ओगोनियम है, ये घड़े की तरह का स्ट्रक्चर है, और ये जो है इसका एंथ्रीडियम है। तो आप देख सकते हैं कि ओगोनियम इसके साथ ही पड़ा, ठीक है। तो और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि इसकी ऊपर वाली वाल ना वो जिलेटिनाइज होगी मतलब वो गल सट जाएगी, और उसके अंदर एक सुराख पैदा हो जाएगा जिसे हम रिसेप्टिव स्पोर्ट कहेंगे, जहाँ से एंथेरोजाइट इसमें इंटर होंगे। तो ये सारी हमने ओगोनियम की खसूसियत देखी, बड़ा होगा साइज में, एंथ्रीडियम के नज़दीक पैदा होगा, इसकी वाल रप्चर होगी, सुराख पैदा करेगी स्पर्म्स वगैरह के आने के लिए, और ये सिसाइल होगी, ठीक है। और दूसरा अब हम एंथ्रीडियम का देख लेती हैं, एंथ्रीडियम मेच्योर एंथ्रीडियम जो है वो स्टॉक्ड होगा मतलब एंथेरोज किसी डंडीनुमा साक्स या फिर एजाइड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, और उसके न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर जमा होंगे, और उनकी वजह से ये ना कलरलेस हो जाएगा। और इसके अंदर एंथ्रीडियम के अंदर दो फ्लैजेला होंगे, एक विप्लिश होगा जो मतलब इसे गोल घुमाएगा, और एक टिंसल होगा जो इसे जो इस फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट में जो है इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो है और इसमें एक पोर क्रिएट होगा
एंथ्रीडियम में भी, जिससे एंथेरोसाइट या स्पर्म्स बाहर आएंगे। तो एंथ्रीडियम की खसूसियात हमने क्या देखी, इसमें दो फ्लैजेला हैं, एक विप्लिशिया इसे गोल घुमाने के लिए, एक टिंसल है इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करवाने के लिए, और इसके अंदर न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट इकट्ठे होंगे, जिनके कलरलेस होने की वजह से इसकी शक्ल भी जो है कलरलेस हो जाएगी, और जो मेच्योर एंथ्रीडियम है वो स्टॉक्ड होगा। ठीक है, अब इसकी फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ओगोनियम और एंथ्रीडियम इकट्ठे पड़े हैं। ओगोनियम के अंदर एक सुराख है जिससे स्पर्म इसके अंदर गया, दोनों मिले, जायगोट बन गया। जायगोट ने अपने द्वाल खारिज की जिससे बहुत सारे ओओस्पोर जो है हमारे पास बन गए। अब देखें ओओस्पोर एक रिलीज़ हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे रिलीज़ होंगे, यहाँ पे मैंने एक ही दिखाया, एक ओओस्पोर बाहर आया जिससे वकेरिया का न्यू फिलामेंट जो है हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो और दूसरा इसमें मैंने ये भी मेंशन किया कि ओओस्पोर जब अडल्ट बनाएगा ना तो मियोसिस करके बनाएगा, तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि जो वकेरिया का अडल्ट होता है वो हमारे पास हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता। तो ये सारा हमने वकेरिया देखा, पहले इसकी ऑकरेंस देखी, फिर इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखी, किस बॉटनिस्ट ने इसे दिया वो देखा, इसकी प्लांट बॉडी देखी, हेप्ट्रॉन, सेल वॉल, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, रिजर्व फूड, रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन तीन तरीकों से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन है इससे की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एप्लाइनोस्पोर और जूस्पोर से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वो गेम ओगोनियम और एंथ्रीडियम से, फिर एंड में इसकी फर्टिलाइजेशन देखी, और फिर बताया कि ओस्पोर में मियोसिस होगी जिससे जाहिर होता है कि वकेरिया की जो अडल्ट बॉडी है वो है प्लांट बॉडी।